एवरीवन कैसे हो। हाँ मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज के इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना हूँ लोग। एंड ये वाला एप्लीकेशन भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया हुआ है, यानी कि आप लोग एआई के माध्यम से ये वाला फोटो के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, एक अवतार एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही ईजी स्टेप के अंदर, वो भी फ्री में। सो कैसे आप लोगों को सब कुछ करना है वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। ओके तो चलिए वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। एंड ये एप्लीकेशन आप लोग फ्री में कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। ओके सो जैसे कि देख सकते हैं मैं एक फोटो को ओपन कर लिया, यानी कि बहुत सारा आप लोग टेम्पलेट मिल जाएगा। तो मैं आप ये वाला टेम्पलेट को ओपन कर लिया एंड रिप्लेस फोटो के अंदर क्लिक करके ऐसे मैं किसी भी फोटो को एक सिलेक्ट कर लूंगा। ओके सो जैसे कि देख सकते हैं मैं एक फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके सो इस टाइप से आप लोग नेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक कर लेने एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकंड प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोगों का फोटो कुछ इस तरह के रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का फोटो कुछ इस तरह के एडिटिंग हो जाएगा एआई के माध्यम से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडवांस हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं फोटो को सेव करना है, थ्री डॉट के अंदर क्लिक करके आप लोगों ये वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेने एंड यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड बटन मिलेगा, इसके अंदर क्लिक करके आप लोग फोटो को डायरेक्टली सेव कर सकते हो आप लोगों का खुद का गैलरी के अंदर। ठीक है आप लोगों और मैं आप लोगों को टेम्पलेट का यूज करके दिखा देता हूँ ये वाला एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जैसे कि देख सकते हैं मैं अगर बैक कर लेता हूँ तो बैक करने के बाद बहुत सारा टेम्पलेट देखने को मिल रहा है। सो ये सारा टेम्पलेट का यूज करके आप लोग फोटो को एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि देख सकते हैं मैं एक फोटो यानी कि एक टेम्पलेट को मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ एंड रिप्लेस फोटो के अंदर क्लिक करके ये वाला फोटो को सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक कर लूंगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों का आंखों सामने रिजल्ट है। सो जैसे कि जैसे बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है, यानी कि विक्टोर आर्ट क्रिएट करने में जो आप लोगों घंटों का टाइम लग जाता था वो भाई कुछ ही सेकंड के अंदर हो रहा है, यानी कि एक क्लिक के अंदर ही हो रहा है। ठीक है सो हो गया ना बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन भाई सभी एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आप लोगों को फोटो को अपलोड करने एंड फोटो आप लोगों को ऑटोमेटिक एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है सो आप लोगों को एक मैं और को टेम्पलेट यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है जैसे कि देख सकते हैं मैं टेम्पलेट को थोड़ा सा मतलब स्क्रॉल करके ढूंढ रहा हूँ। सो इसी टाइप से आप लोगों को बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है यानी कि आप लोगों को अनलिमिटेड टेम्पलेट मिल जाएगा। सो किसी भी टेम्पलेट का आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है सो ये एप्लीकेशन का आप लोगों को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिखाई देगा एप्लीकेशन का, वाला लिंक के अंदर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा वेबसाइट के अंदर आप लोग को सिंपली टाइप कर लेना आप लोग गूगल पर जाकर www.imagineery.com और वाला वेबसाइट के अंदर आप लोग ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। वाला वेबसाइट के अंदर आप लोग ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो वो भी फ्री में। ओके सो जैसे कि देख सकते हैं मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है एंड एक अच्छा खासा टेम्पलेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा अच्छा टेम्पलेट है। जैसे कि देख सकते हैं मैं ये वाला टेम्पलेट को ओपन कर लिया एंड ये वाला फोटो को मैं फिर से ओपन कर लिया। ओके यानी कि नेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करके थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे कि देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है फोटो के अंदर। सो इसी टाइप से आप लोग फोटो को एडिटिंग कर पाओगे एडवांस लेवल तक। ठीक है एंड अच्छा अच्छा आप लोग को ये वाला एप्लीकेशन के अंदर टेम्पलेट मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ फोटो को सेव करने के बाद। ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अनलिमिटेड जैसा भी टेम्पलेट मिल जाएगा। सो आप लोग यहाँ से लोगो वगैरह विक्टोर आर्ट वगैरह कुछ भी आप लोग ट्राई कर सकते हो वाला एप्लीकेशन के अंदर। एंड भाई एआई अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सो इसी कारण से मैं आप लोगों को फुल वर्जन दे दिया ये वाला एप्लीकेशन का। सो फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट के अंदर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है आप लोगों सिंपली गूगल पर जाकर टाइप कर लेना www.imagineery.com एंड मेरा वेबसाइट से आप लोग ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये वाला एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।